काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पूरा होने वाला, क्योंकि जर्नी आज का लगभग 180 किलोमीटर का होने वाला है, तो काफी बेहतरीन से सीन और देखने मिलने वाला है। फाइंड का ये होता खौफ, यही से सीट बेल्ट लगाते हुए जा रहा है। तो भाई हो गया लफड़ा, एक डेढ़ घंटा लग गया, फाइनली फाइन देने के बाद हम फिलहाल वहां से निकल चुके हैं। अब हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो गाइस यू एंड मी एंजॉय माय व्लॉग। अभी टाइम होने लगा है सुबह के 7 एंड सडनली मुझे निकलना है जमशेदपुर के लिए, सो आने में शाम या फिर कल भी हो सकता है। तो सबसे पहले नहा लेते हैं एंड सुबह सुबह ठंडा पानी ऊपर से टैंकर से भरा हुआ, नहाने में यार जान हालत के बाहर आ जाती है, बट ठंडे पानी में जो नहाने चाहो वो गर्म पानी में कहाँ। सबसे पहले गाड़ी की सफाई हो जाए। इस फैक्ट्री से उठाने हमें 50 फाइबर सीट्स और इसे ही लेके हमें जाना है जमशेदपुर। टाइम होने लगा है 10 और एक्चुअल ब्लॉग यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यू रूट होने वाला है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला, क्योंकि जर्नी आज का लगभग 180 किलोमीटर का होने वाला है, तो काफी बेहतरीन से सीन और देखने को मिलने वाला है। अभी सडनली हमें याद आया कि हमारा धुआं परमिट फेल हो चुका है, सो यहाँ सामने हम लोग पेट्रोल पंप दिखा, सो यहाँ से पहले धुआं परमिट बना लेते हैं, फिर हम लोग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी वो सारा पेपर अपना डन है, सो गाड़ी कहीं भी चलना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सनलाइट फ्रंट साइड से पड़ रहा तो यार आगे पूरा डार्क हो रखा है, तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा था यार, तुम भी थोड़ा सा मैनेज कर दो यार। रहा जायका रिसोर्ट, मतलब फाइनली हम लोग झारखंड और बंगाल बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, एंड अभी जो रोड पे हम लोग चल रहे हैं ये बंगाल के रोड पे, एंड इसके बाद फिर हम लोग झारखंड इंटर करेंगे। सो ये एक अमेजिंग सा चीज़ होता है हमारे यहाँ रांची रूट में भी और इस वाले रूट में भी, झारखंड बंगाल फिर झारखंड। वेस्ट बंगाल चास रोड में ये ओवरब्रिज बनने लगा जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, मतलब ये जो कर्व रोड है उसे स्ट्रेट किया जा रहा है। सामने टोल गेट दिख रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पुरुलिया का फेमस सिद्धू कानो बिरसा यूनिवर्सिटी, ये पूरा कैंपस है इसका, और इसके मेन गेट के जस्ट राइट साइड में सैनिक स्कूल देखने को मिल जाता है। ऑलरेडी हम लोग सैनिक स्कूल क्रॉस कर चुके हैं एंड आगे चल के चौक मिलने वाला, वहाँ से हमें राइट लेना है, तो चौक कितना दूर पे देखते हैं। एंड फाइनली उस चौक पे हम लोग पहुँच चुके हैं, इस साइड अंदर पुरुलिया चल जाएंगे हम लोग एंड ये वाले रोड पे हम लोग चलाएंगे टाटा जमशेदपुर। ये सामने में एक रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, तो फिलहाल हमें यहाँ पर वेट करना पड़ सकता है क्योंकि बैरियर लगा हुआ है। पक्का 12:01 हो चुका है और रेलवे क्रॉसिंग पे हम लोग रुके हुए हैं, सो फिलहाल हम लोग नारियल का मजा लेते हैं। एक नारियल आया था बेचने के लिए, मस्त नारियल का थोड़ा चुस्की लेते हैं हम लोग, धोया भी था बे सफर में कौन देखता है धोया नहीं धोया, और मस्त मजा लो चुका है। और गाड़ी आ रहेगा लगता है, और एक ट्रेन आ रहा है। ये भी माल गाड़ी, फाइनली दोनों ट्रेनें गायब हो चुकी है, मतलब निकल चुकी है एंड बैरियर भी हट गया है। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। इस रूट में यार चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, कहीं पे रोड बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो कहीं पे ओवरब्रिज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल का एक ये अलग ही लोचा होता है बैरियर का, हर 10 कदम में यार बैरियर लगा हुआ है, मतलब 10 कदम पे बस एक बैरियर लगा हुआ है, फिर 10 कदम पे बैरियर, मतलब अभी तक का सफर में मैंने लगभग 50 के ऊपर बैरियर देख लिया। अगर दिखाने जाओ तो मतलब सेपरेटली एक ब्लॉक बन जाना है, नाकाबंदी एट वेस्ट बंगाल, गजब का सीन है भाई। सामने और एक बार रेलवे क्रॉसिंग आ चुका है, बट इस बार लक अच्छा है, बैरियर नहीं लगा हुआ है, सो वेटिंग का कोई झंझट है नहीं, सीधे ही निकलते हैं।
सड़क पूरा मधुमक्खी का छत्ता बना पड़ा है। सामने और एक टोल गेट नजर आ चुका है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। सामने में और एक रेलवे क्रॉसिंग, ये तीसरा या चौथा रेलवे क्रॉसिंग हो चुका है और यहाँ पर तो यार बहुत ही लंबी कतार लगी हुई है। कितनी लंबी कतारें लगी हुई है देखो, हम लोग फिलहाल आगे जा रहे हैं। यहाँ पर यार कितना डस्ट हो रखा है, मैं थोड़ा एक तो नज़ारा आपको दिखा दो। नेचुरली जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डस्ट की वजह से पूरा हालात और जज्बात बदला हुआ है। ये यहाँ पे बैरियर के वजह से कितनी लंबी कतारें लगी है भाई, इनका तो पूरा नो एंट्री हो रखा है। आप लोग इधर आराम कीजिए, तब तक छोटे गाड़ी सारे निकलते हैं, उसके बाद आप लोगों का नंबर आएगा। चांडिल इंटर कर चुके हैं, मतलब और एक बार फिर से हम लोग झारखंड के अंदर आ चुके हैं। गोमो साइड में जो ब्रिज है उसी का सेम वर्जन है, यह भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाद में रोड बनेगा, पहले ब्रिज बन रहा है। अब जाके अपने को राहत मिली है, जो हमारा डेस्टिनेशन है गम्हरिया। एक्चुअल में हम लोग जमशेदपुर से निकले थे जमशेदपुर करके, लेकिन जा रहे गम्हरिया जो कि 18 किलोमीटर बचा हुआ है भाई। अरे हमें बोर्ड मिल गया गम्हरिया, जहाँ की एक्चुअल हमें जाना है। ऑलरेडी हमारा मीटर 130 के प्लस हो गया था और हम लोग अभी भी घूम ही रहे थे, तो हमें बड़ा ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था भाई और कितना हमें चलना होगा। बट अब कंफर्म हो गया है कि बस और 18 किलोमीटर। गूगल मैप के चक्कर में गलत स्पेलिंग से क्या मिस्टेक हो, ये देखिए पहले जो हम लोग सर्च मार के रखे थे गम्हरिया वो देखिए, जबकि दोनों ही झारखंड के लोकेशन है, लेकिन ये वाला देखिए, ये वाला गम्हरिया लिखने से 116 किलोमीटर और तब से हम लोग इसी पे चल रहे थे। और जो एक्चुअल गम्हरिया हम लोग जाना वो ये वाला है, एक स्पेलिंग और गूगल लोकेशन के हिसाब से चलने से जानते हो ना, कहाँ 14 किलोमीटर कहाँ 104 किलोमीटर, मतलब पूरा लफड़ाई हो जाना है। इसलिए भाई लोकेशन और स्पेलिंग दोनों ही सही करके रखना, वरना कहाँ जाने का रहेगा, कहाँ पहुँच जाओगे। तीखा मोड़ तो चक के देखना चाहिए हमें, तीखा या मीठा है। दो टोल गेट अंडर कंस्ट्रक्शन वाला क्रॉस हो चुका है, अब एक्चुअल में आया है पैसा लूटने वाला। मतलब ये जो ओवरब्रिज है काफी औसम है, अब आदमी चाह के भी यहाँ पे कैसे उतरे भाई, देख रहे हो क्या सीन हो रखा है, पूरा डस्टी हो रखा है। यहाँ पे आदमी उतर के कुछ करे तो करे कैसे। पाँच सौ मीटर आगे और एक टोल गेट मिलने वाला है, तो वहाँ पर भी लोचा लगने वाला है। यहाँ पे लगा हुआ है चेकिंग और अपना हो चुका है थोड़ा सा लफड़ा सीट बेल्ट के चक्कर में। पूरे रास्ते हम लोगों ने सीट बेल्ट लगा के आया, बट हल्का सा पीछे एक टोल गेट क्रॉस हुआ वहाँ पे सीट बेल्ट खोला था, उसके बाद नहीं लगाया और हो गया बड़ा बड़ा लफड़ा। फिलहाल आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और हमारा हैकड़ी दबा हुआ है क्योंकि कुछ ऑप्शन बन नहीं रहा है, यहाँ चला कैसे जाए। फाइन का ये होता खोफ, यही से सीट बेल्ट लगाते हुए जा रहा है। हाय हो गया लफड़ा, एक डेढ़ घंटे का लोचा लग गया। फाइनली फाइन देने के बाद हम लोग फिलहाल वहाँ से निकल चुके हैं, अब देखते हैं कितना टाइम लगना है यार अनलोड अनलोड करने। मतलब थोड़ा सा मिस्टेक के चलते घर से निकले तब से हम लोग दोनों सीट बेल्ट लगा के, मतलब नहीं बोलते रेड वार्निंग के साथ कि भाई बंगाल घुसना है तो पहन के चलो, तो जब से हम लोग निकले बेल्ट लगाए हुए, बट एक गलती और हो गया लफड़ा। फाइनली ये रहा अपना डेस्टिनेशन, जहाँ पे जो अपना सीट है उसे अनलोड करना है। जब तक ये सारे लोग अनलोड करते हैं तब तक मैं यहाँ का थोड़ा नज़ारा देख लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सही वाला गार्डन बना के रखा गया है, ये जो पत्थर आप देख रहे हो जो हमारे घर में नॉर्मली बालू होता है उसी का बड़ा बड़ा पत्थर है, तो बहुत ही तगड़ा वाला आउटलुक देता है जो कि यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। फाइनली माल डिलीवर होते होते 5:15 बज चुका है, अभी तक ना अपना खाना वाना पीना और साथ में पुलिस वुलिस का लफड़ा भी हो गया था, मतलब कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा झंझट रहा। लेकिन इसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग सीन तो मैंने कैच करा है जो कि आपको ऑलरेडी मज़ा आया होगा, और ब्लॉग ऑलरेडी मुझे लगता है कि 5-10 मिनट क्रॉस कर गया होगा। सो ब्लॉग इधर ही एंड करता है फिलहाल के लिए, बाकी इधर रिटर्निंग का ब्लॉग अगर होता है कैसा प्लान होता है वो सब बात की बातें हैं, मिलते हैं अगर ब्लॉग बन जाता है तो मिलेंगे, बाकी अगला ब्लॉग मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय।